देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का बेस सेंस देने वाला तो गैलीलियो था एक्चुअली में, मोशन के बारे में बताने का जो क्रेडिट जाता है वो गैलीलियो को जाता है, लेकिन जो मेन क्रेडिट गया वो किसको गया, न्यूटन साहब को गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको प्रूफ करना है ग्राफ मेथड से, तो पहले तो एक थ्योरी हम लिखवा देते हैं। वो थ्योरी जितने इक्वेशन हैं तीनों के लिए यूज़ की जाएगी। तो लिखिएगा लेट अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू, या विद वेलोसिटी यू अपने आप इनिशियल हो जाएगी। लेट अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी यू, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी यू आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी, इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज, एंड द डिस्प्लेसमेंट या एंड द बॉडी डिस्प्लेस, एंड द बॉडी डिस्प्लेस थ्रू द डिस्टेंस एस, एंड द बॉडी डिस्प्लेस्ड थ्रू द डिस्टेंस एस एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। देखिए ये जो लैंग्वेज हमने लिखवाई है, ठीक है, सब कुछ आ गया ना, इनिशियल वेलासिटी भी आ गई, एक्सेलरेशन ए भी आ गया, फाइनल वेलासिटी भी आ गई, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया और टाइम भी आ गया। अब ये थ्योरी आप तीनों इक्वेशंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, अपने तो ग्राफ बना दिया जाए, फिर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेथड बताते हैं। देखिए तो ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा, ग्राफ किसके किसके बीच बनाया जाएगा, हैं नहीं, वी टी में एस आ जाएगा, ए आ जाएगा, वी टी से एस निकलेगा, ए नहीं निकलेगा ना, ए किस में निकलता है, हैं आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किससे निकलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिलता है, और उससे एरिया भी निकल आती है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकल आता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, एरिया निकाल करके। ठीक है, नहीं रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल थोड़ी होता है, जो पाथ बॉडी कवर कर रही है उस पाथ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकालते हैं। देखिए हमने कहा ये टाइम और वेलोसिटी ग्राफ है, जब टाइम इनिशियल है तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, यू है, यानी कि यहाँ कहीं से स्टार्ट होगी, ये वैल्यू कितनी होगी यू, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया ए, और ऐसे बॉडी एक्सेलरेटेड हो रही है यूनिफॉर्मली, ऐसे बॉडी चल रही है। ठीक है, थोड़े टाइम टी बाद बॉडी कहाँ पहुँच गई, बी पॉइंट पर पहुँच गई, और यहाँ पर टाइम कितना है, कितने टाइम बाद पहुँची है, टी टाइम बाद पहुँची है, और यहाँ पर कितनी वेलोसिटी हो गई है, वी वेलोसिटी हो गई है, तो ग्राफ तो इतना ही बनेगा। ठीक है, हाँ यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो गया, टी। अब हम पहले तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करने जा रहे हैं, पहले तो डायग्राम बनाएंगे आप, ये डायग्राम तीनों प्रूफ के लिए, तीनों प्रूफ के लिए है, तो हम पहले डायग्राम बनाने जा रहे हैं, बना दिया है। पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं लॉज ऑफ मोशन नहीं बोल रहा हूँ, वो लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन अलग है, इक्वेशन ऑफ मोशन अलग है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या बता रहे हो भाई, टू एस कहाँ से आ जाएगा, कुछ बोल दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी यहाँ v है, u है और a है। वी टी ग्राफ से क्या निकाल सकते हो आप, अब आप कहोगे s निकाल सकते हैं, s की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है यहाँ पर, क्या निकाल सकते हो आप, ए निकाल सकते हो ना। तो हमने पहले तो जब हम ये इक्वेशन प्रूव करने को आएगा, पहले थ्योरी आप लिखेंगे जो लिख चुके हैं आप, ठीक है, अच्छा ए कैसे निकलेगा इसमें से, ए बी का स्लोप निकाल के निकल आएगा ना भाई, इसका जब प्रूफ करेंगे तो पहले तो थ्योरी लिखेंगे आप, नहीं समझे तो लिखेंगे द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, यही तरीका होता है ना। अच्छा
यहां से यहां तक का ये जो हमने ये है, ये वैल्यू कितनी है? स्लोप के लिए बीसी की जरूरत पड़ेगी ना, तो बीसी कितना है? वी माइनस यू, क्योंकि कोऑर्डिनेट के हिसाब से पूरी दूरी वी होगी ना, और ये पूरी दूरी यू होगी। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए क्या लिखा जाएगा? बी सी अपान ए सी, यही तो होगा ना। बी सी की वैल्यू कितनी है? वी माइनस यू, और ए सी की वैल्यू कितनी है? टी। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन बाई ग्राफिकल मेथड। समझ में आई बात? देखिए तो सेकेंड इक्वेशन ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो रही है। लॉज ऑफ मोशन अलग है, इक्वेशन ऑफ मोशन अलग है। लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, इक्वेशन ऑफ मोशन भी आइजैक न्यूटन ने दिए थे, लेकिन एक्चुअली मेन क्रेडिट जाता है गैलीलियो को, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर नाम जो है वो न्यूटन साहब का है, लेकिन गैलीलियो भी नाम कर गए हैं, बहुत पहले गए थे, बहुत बेचारे हर बात में जो भी बात कहते थे पनिशमेंट मिल जाता था। तुमने ये कहा इधर आओ, ऐसे देखो साहब प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दियो, हाँ आप किसी को दिखाना नहीं, चुपचाप घर जाओ। मतलब बेचारा हर चीज़ प्रूफ करके दिखाए, और पादरियों ने कहा तुम कुछ नहीं, जो हम कहें वही सही। तो यो, लेकिन अब चलिए कम से कम इतना नाम हो गया कि लोगों को मालूम हो गया कि उसने कुछ किया। अब जरा देखिए इस ग्राफ में, पहले तो थ्योरी आपने लिखी, लेट द बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी यू, आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी बिकम्स वी एंड टेन, जो भी बताया गया, ठीक। अब जरा समझिएगा एस कैसे निकलता है। यू वी टी ग्राफ में से एस निकालने का तरीका क्या था? बॉडी जहां से जहां तक गई वो रास्ता, और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकाली, यही कहा गया ना। तो हम जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एस, तो बॉडी कहां से कहां तक गई है? ए से बी तक गई है, तो ए से बी तक गई है, तो ये वाला एरिया निकालेंगे। इसका नाम फिलहाल देखो ये जीरो पॉइंट है, नाम इसका ओ रख दीजिए आप, लेकिन पॉइंट ये जीरो है, यहाँ वैल्यू जीरो है, और इसका नाम रख दो डी। तो यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ, ये शेप क्या दिख रही है आपको? ट्रेपेजियम। हमने बताया था कि रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल बनाने से बेहतर है हम ट्रेपेजियम निकालें। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ओ, बस आपका आंसर आ गया हाफ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड कौन सी है? ये वाली है दो, तो यानी कि ए ओ प्लस बी डी, और इनटू डिस्टेंस क्या है, या तो ओ डी कर दो या तो ए सी कर दो, इनटू ओ डी हाफ। ए ओ कितना है? ए ओ है यू, और ओ डी कितना है? ओ डी है वी इनटू टी। समझ में आई बात नहीं है? अब देखो जरा ध्यान से, ये प्रूफ तो हो गया। आपको याद होगा कल हम बात कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हमें ग्राफ के मेथड से ना आता, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड दो ही मेथड आपके यहाँ हैं, अगर ग्राफ मेथड ना आता और हमसे कहा जाता प्रूफ करो, तो हम यहाँ से शुरू करते, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी यू, आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी बिकम्स वी, सो एवरेज वेलोसिटी इज दिस, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, काम खत्म। ग्राफ मेथड्स करना है। अब जरा अपने प्रूफ पे चलिए, इस प्रूफ में और इस प्रूफ में कौन सी चीज़ है जो इसमें एक्स्ट्रा आ रही है? इसमें एक्स्ट्रा आ रही है, इसमें तो इसमें लाना है ना, इसमें वी गड़बड़ कर रहा है। तो एज वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी को गायब करना पड़ेगा ना, वी इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी। सो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, इस वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर दिया जाए, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू हाफ, देखिए यू हो गया, वी की वैल्यू क्या है, यू प्लस ए टी इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, टू यू हो जाएगा ना। यहाँ लिख दें, जगह नहीं है, इधर आ रही जगह कैमरे में, इधर आ रही है, देखिए तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ, ये 2u आ जाएगा, 2u प्लस 80,
और बाहर टी। अब क्या करें आप, हाफ को अंदर ले जाओ तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आई बात नहीं आई, ये आपका प्रूफ हो गया। समझ में आ गई बात, नोट करिए इसको, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो इसको प्रूफ करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट एस है और एस निकालने का तरीका आपको मालूम है। अब आप कहेंगे यहाँ ए भी तो है, लेकिन ए नहीं आ पाएगा ना वहाँ से। अगर ए निकाल भी लोगे मान लिया, तो एस कहाँ से इंट्रोड्यूस करोगे? एस के बाद तो ए इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और बाद में जब ये रिजल्ट लेके आओगे तो आपको दिखेगा गड़बड़ कौन कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है वी। तो वी को गायब कर दिया हमने और प्रूफ ही हो जाएगा। ठीक है, ये ए टी है, कॉमा लगा हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। आपको फिर एस आ गया, तो एस निकालने का तरीका तो मेरे पास यही है। एस निकालने का तरीका वही है, पहले थ्योरी लिखेंगे भाई, जब प्रूफ आएगा तो हो सकता है तीनों इक्वेशंस आ जाएं। तीनों तो नहीं आएंगे, मतलब फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी ना। अब आप कहेंगे फर्स्ट आया और फर्स्ट में एस लाना नहीं है तो काहे के लिखे, लेकिन ना लिखो एस। अगर लिख भी दोगे तो नुकसान कहाँ से हो जाएगा, वो थोड़े कहेगा थ्योरी में एस लिखा था, आपने एस यूज़ क्यों नहीं किया। तो हमने एस तो निकाल लिया कि भाई जब कोई बॉडी चलती है तो जो रास्ता वो एडॉप्ट करती है, वो रास्ता और टाइम एक्सिस के बीच का जो इनक्लोज्ड एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया, एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम, यहाँ हम पहुँच गए। अब ज़रा देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहुँचने के बाद हमको क्या नज़र आ रहा है, गड़बड़ कहाँ पर है, क्या चीज़ गड़बड़ कर रही है। डायग्राम रब करेंगे अब, तो डायग्राम की ज़रूरत अब नहीं है। यहाँ कौन है जो आ रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं है? टी गड़बड़ कर रहा है, टी कर रहा है ना गड़बड़, क्योंकि टी हमारे प्रूफ में नहीं है। हमारे प्रूफ में वी है, यू है, एस है, सब कुछ है, ए है, लेकिन टी नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन से वी का यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो वी माइनस यू अपान ए की वैल्यू टी आएगी, नहीं आएगी। इस वैल्यू को उठाइए और इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिएगा, पुटिंग टी इन इक्वेशन वन, तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ यू प्लस वी, और इसकी वैल्यू क्या है, वी माइनस यू अपान ए। ज़रा ध्यान से समझिएगा, पहले बात तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, टू ए। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ध्यान से इधर देखिएगा, टू ए है ना, और टू ए को जो इधर लेके आओगे क्या आएगा, टू ए एस। यहाँ एक ब्रैकेट में वी माइनस यू, एक में वी प्लस यू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये आपका हो गया जाकर के डिस्टेंस, थर्ड इक्वेशन वी यू और एस में रिलेशन है, ये टू ए है। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। एक और इक्वेशन आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ पर्टिकुलर टाइम, यानी इन टीएथ सेकेंड, इन टीएथ सेकेंड। पहले इसका मतलब समझिएगा, इसको ग्राफ मेथड से प्रूफ तो किया है, अब ये प्रूफ करके ले आए, पहले बुक्स में नहीं था। ग्राफ से इसको नहीं करना है, टी सेकेंड वाला कर लीजिएगा, फिर आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। पहले इस पर्टिकुलर टाइम का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, ज़रा सावधान। आप 10 बजे अपने घर से निकले, लखनऊ 12 बजे पहुंच गए, कितने घंटे आप पहुंचे हैं, 2 घंटे में पहुंचे हैं। आपने बुआ के घर गए हैं और बुआ के घर पहुंच करके उनके गेट पे जाके बैठ गए बाहर, वहीं अपना नाश्ता पानी किया, अपना वो राजू सुपाड़ी जो भी खाते वाते हैं खाया, कि बुआ के यहाँ जाके तो सब हो नहीं पाएगा, रास्ते में हो रहा था। 12 बजे भी आप गेट पे बैठे हैं, बुआ को मालूम है आप आ गए हो, नहीं मालूम। हाँ, उनका कुत्ता अगर अंदर भौंकने लगेगा तो मालूम हो जाएगा कोई कोई बाहर बैठा हुआ है। अब मम्मी ने 12:02, 12:10 पर फ़ोन किया बुआ को कि अनुराग पहुँचे, तो क्या बताया जाएगा, पहुँचे कि नहीं पहुँचे, अभी नहीं पहुँचे ना। और आप 1 बजे आप उठे और गेट खटखटाया, तब बुआ के यहाँ गए, तो बुआ के हिसाब से आपको कितने घंटे लगे, 3 घंटे। तो ये जो लास्ट का 1 घंटा है, इसमें कितनी डिस्टेंस कवर किया आपने,
जीरो, यही निकालनी है आपको। नहीं समझे, आप कोई भी दूरी गए 5 घंटे आप चले, तो पांचवें घंटे में कितना चले, पूरे 5 घंटे चले तो पांचवें घंटे में कितना चले, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो जरा इसमें समझने की कोशिश करिएगा। लैंग्वेज तो पहले सब वही लिखी जाएगी, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी यू, लिख लो, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी यू आफ्टर टाइम टी। ये आफ्टर टाइम टी मतलब वो पूरा 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का टाइम है पूरा। आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज एस एंड ए इज इट्स एक्सेलरेशन। दोबारा लिख लो, नुकसान थोड़ी हो जाएगा हैं? तो अगर 2 बार लिख लोगे नुकसान नहीं करेगा, समझ लीजिएगा। प्रैक्टिस और राइटिंग जरूरी होती है। राइटिंग पे हर कंपटीशन में जोर दिया जाता है कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं है। आपकी स्पीड राइटिंग यहीं से स्टार्ट होता है आपका। सुनिए ध्यान से, पहले लफड़ा समझ लीजिएगा, सावधान। आप यहाँ से चले ए पॉइंट से और 10 घंटे में आप बी पॉइंट पे पहुँच गए, और आपका टॉपिक कहता है कि 10वें घंटे में कितना चले, 10th सेकेंड या 10 सेकेंड में कितना चले। अब सेकेंड थोड़ा कम होता है इसलिए घंटा ले लिया हमने, तो इसका मतलब क्या होता है, 10 घंटे की डिस्टेंस में से 9 घंटे की डिस्टेंस क्या कर दो आप, माइनस कर दो, तो 10वें घंटे की डिस्टेंस निकल आएगी। नहीं समझे, आप यहाँ कितने सेकेंड तक चले थे, टी सेकेंड तक चले थे टोटल, तो टी सेकेंड की डिस्टेंस में से, टोटल टी सेकेंड डिस्टेंस में से टी माइनस 1 सेकेंड की डिस्टेंस को हम माइनस कर दें, तो टीएथ सेकेंड में जो आप डिस्टेंस चले हैं वो निकल आएगी। तो अगर आपसे ग्राफिकल कहा जाए तो ग्राफिकल से आप एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो सेकेंड इक्वेशन प्रूव कर लेंगे, ठीक, बाद में आप डायरेक्ट कर देंगे, ग्राफिकल से इसको नहीं प्रूव करेंगे। तो आप पहले थ्योरी लिखेंगे, फिर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यहाँ से लिखें, थोड़ा जगह लेगी ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टी सेकेंड्स, टी सेकेंड्स का बोले तो टोटल 0 से लेकर के टी तक, तो इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया S1, क्या हो जाएगी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी ये पूरा 10 घंटे वाली डिस्टेंस है। अब 1 सेकेंड छोड़ दो लास्ट वाला, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन T माइनस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड कम कर दो, तो इसको S2 मान लो, या इसको ST मान लो, इसको ST माइनस 1 मान लो, मानने को कुछ भी मान सकते हैं आप। तो T की जगह यहाँ क्या लिखोगे, T माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं समझे, तो आपको तो भाई यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक चले थे कितने सेकंड चले थे आप, टी सेकंड, और इससे 1 सेकंड पहले ये कितना टाइम हो गया था, टी माइनस 1 सेकंड। ये जो लास्ट वाला सेकंड है यही तो टीएथ सेकंड है, 10वां घंटा। टोटल 10 घंटे में 9 घंटे की डिस्टेंस को आप माइनस कर दीजिए, तो जब हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड, तो क्या करेंगे एस टीएथ मान लीजिए, तो क्या करेंगे टी सेकेंड की डिस्टेंस में से टी माइनस 1 सेकेंड की डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस आपका टॉपिक ख़त्म। अब आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि आपको यहाँ पर करना है। देखिए ध्यान से, एस टीएथ निकालना था, एस टी कितना था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जरा मैथमेटिक्स ध्यान समझिएगा, माइनस आएगा यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट ये भी खुलेगा, ब्रैकेट ये भी खुलेगा, तो ये क्या आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस 1 माइनस हाफ ए, इसका होल स्क्वायर खोल दो, t
टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी। अब सब ब्रैकेट खोल दीजिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, देखो ये अंदर जाएगा क्या आएगा, यू टी आएगा माइनस माइनस, प्लस का यू आएगा माइनस का, हाफ ए टी स्क्वायर आएगा माइनस का, हाफ ए आएगा प्लस का ए टी आएगा, हाफ से ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यू टी कैंसिल हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या बचेगा, यू माइनस हाफ ए प्लस ए टी। अब देखो इसको जरा बनाते कैसे हैं, यू प्लस यहाँ से हाफ ए कॉमन ले लो, सावधान आपने प्लस कॉमन लिया है तो ये माइनस ही रहेगा, ये प्लस रहेगा अंदर, तो यहाँ बचेगा टू टी माइनस वन। तो ये आपका टीएथ सेकेंड में चली गई डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है। समझ आई बात नहीं आई, मतलब जो 10 घंटे आप चले, हमने आपसे कहा 10वें घंटे में कितना आप चले भाई, आप बुआ क्या पहुँचे 3 घंटे में, अकॉर्डिंग टू योर बुआ एंड योर मदर्स कन्वर्सेशन आप 1 बजे पहुँचे थे ना, तो ये कहा कि 12 बजे 2 घंटे लगते, तुम 12 बजे से 1 बजे तक कब कहाँ रहे, तो गेट पे हम बैठे थे, तो जो लास्ट का 1 घंटा है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, नोट।